मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मुख्तार अंसारी से। जी हां, नाम तो आपने सुना होगा मुख्तार अंसारी, जिसका सिक्का पूर्वांचल में चलता था, जिसका दबदबा पूर्वांचल में था। यूपी में अच्छे अच्छे लोग मुख्तार अंसारी का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते थे। ऐसा रुतबा था एक समय में उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी अभी फिलहाल पंजाब की जेल में एक बंद है, लेकिन पंजाब सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच में मुख्तार अंसारी को लेकर ठन गई है। क्या है मामला और क्यों आखिरकार पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को यूपी सरकार को नहीं सौंप रही है? देखिए, मैं आपको जानकारी बता देता हूं कि मुख्तार अंसारी का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, और मुख्तार अंसारी की तरफ से जो दलील दी गई है वो ये है कि मुख्तार अंसारी इस वक्त कई बीमारियों से जूझ रहा है, जिसमें मधुमेह है, पीठ दर्द है, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स है उसको, और हार्ट संबंधित जैसी कई बीमारियां हैं उसको। इस वजह से उसे अभी यूपी नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, ये कहा गया है मुख्तार अंसारी की तरफ से जो दलील दी गई है। लेकिन योगी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश कर रही है पंजाब सरकार। अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में क्यों बंद है। मेरे पास जो रिपोर्ट है, देखिए, अंसारी पर आईपीसी की धारा 386 के तहत रंगदारी के आरोप हैं। उस पर होमलैंड ग्रुप के सीईओ को धमकी देने का जो मामला है वो आरोप था। मोहाली एसएसपी को अपनी शिकायत में सीईओ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के किसी अंसारी ने कहा है कि परिवार की सुरक्षा चाहते हो तो 10 करोड़ रुपए दे दो। इस मामले को लेकर अंसारी पर मुकदमा दायर हुआ। इसके बाद करीब 2 हफ्ते पंजाब पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर उसे पंजाब ले आई, और तब से वो जो है रोपड़ जेल में बंद है। पंजाब के रोपड़ जेल में तब से बंद है। रंगदारी का मामला है और रंगदारी इसका काम है। उत्तर प्रदेश में भी अच्छे खासे जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे रंगदारी वसूल करता था और उनको डरा धमका के पैसे ऐंठता था। मुख्तार अंसारी को लेकर अब बीजेपी उत्तर प्रदेश की सरकार फुल फॉर्म में है। वो चाहती है कि किसी भी तरह से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में लाया जाए और उसे उसकी सजा दी जाए। आपको मैं यहां पर एक जानकारी और दे दूं कि 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे उत्तर प्रदेश में दर्ज है मुख्तार अंसारी को लेकर। तो मुख्तार अंसारी वो बाहुबली जिसका सिक्का उत्तर प्रदेश में चलता था, और अब मुख्तार अंसारी डर रहा है उत्तर प्रदेश में आने से। दरअसल इसके डर की वजह यह है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर वो गलती से भी एक बार चला गया तो उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि योगी सरकार उसे छोड़ेगी नहीं। योगी सरकार जिस तरह से अपने राज्य में क्राइम को पूरी तरह से खत्म कर रही है, बाहुबलियों का अंत कर रही है, और भ्रष्टाचार के साथ साथ जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं उनको उखाड़ फेंक रही है, इससे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं उत्तर प्रदेश के बाहुबली, वो डॉन, वो लोग जो रंगदारी वसूलते थे, जो हफ्ता वसूलते थे। आपको मैं बता दूं कि मुख्तार अंसारी जो है वो करीब काफी समय हो गया है जो रोपड़ जेल में बंद है, और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल जो किया गया था वो ये था कि वो बीमार चल रहा है, लेकिन योगी सरकार जानती है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है और उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। मुख्तार अंसारी अच्छी तरह से जानता है कि उत्तर प्रदेश में जाना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार क्यों मुख्तार अंसारी को ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर वो चला गया तो वहां पर उसका बचना नामुमकिन है। दरअसल बीते कई समय से योगी सरकार फुल फॉर्म में नजर आ रही है। छोटे बदमाशों, बड़े बदमाशों या बड़े बड़े बाहुबली जो हफ्ता वसूलते थे, जो गैर कानूनी काम करते थे, उनके खिलाफ योगी सरकार ने बड़े से बड़े कदम उठाए हैं, और कई तो ऐसे हैं जिनके एनकाउंटर कर दिए गए और कहानी ही
खत्म कर दी गई। विकास दुबे, आपको याद ही होगा, विकास दुबे जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसने कई पुलिस वालों को मारने की कोशिश की और कई पुलिस वालों को उसने मार भी दिया था। तब से योगी सरकार ने भी कसम खा ली थी, योगी आदित्यनाथ ने कसम खा ली थी कि जब तक विकास दुबे पकड़ा नहीं जाएगा तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। आखिरकार विकास दुबे को पकड़ा गया और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। तो आज उत्तर प्रदेश में माफिया जो है वो एकदम बिल में जाकर बैठ गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर योगी का राज है और योगी के राज में जीना है तो हफ्ता वसूली छोड़ना होगा, रंगदारी छोड़ना होगा, अपराध छोड़ना होगा, गैर कानूनी काम छोड़ना होगा। योगी आदित्यनाथ ने भी ये कह दिया है कि अगर उनके राज्य में कोई भी गैर कानूनी काम करता है, कोई भी गलत काम करता है, तो उसका वही हाल होगा जो एक अपराधी का होता है। आए दिन खबरें आती हैं कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो बदमाशों को ढूंढ रही है और ढूंढ ढूंढ कर उनका एनकाउंटर कर देती है, उन्हें उनकी सजा देती है। तो उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तब से क्राइम तो मानो ऐसा हो गया है कि वहां कभी क्राइम होता ही नहीं था। इससे पहले की सरकारों की अगर बात कर लें तो इतना गंदा हालात था वहां पर, उत्तर प्रदेश में इतनी गंदी स्थिति थी कि आए दिन क्राइम होते थे, सरेआम रंगदारी वसूली जाती थी, भूमाफियाओं का अपना कब्जा था और बड़े बड़े जो बाहुबली थे, जो बड़े बड़े गैंगस्टर थे, वो पैसा वसूलते थे। वहां के लोग बदमाशों से डरे रहते थे, डॉन से डरते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से क्राइम फ्री हो गया है। आज योगी सरकार ने ऐसा माहौल वहां पर बना दिया है कि लोग ये आजादी वहां पर देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि अब वहां पर उन्हें क्राइम से आजादी मिल गई है, क्राइम से छुटकारा मिल गया है, क्योंकि क्राइम वहां पर खत्म हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि मुख्तार अंसारी आखिरकार क्यों नहीं चाहता कि वो यूपी में जाए। अब ये आरोप लग रहा है कि मुख्तार अंसारी को बचा कौन रहा है। खबरें हैं कि मुख्तार अंसारी को कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी बचा रही है। प्रियंका गांधी मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश नहीं जाने दे रही। तो ये चीजें आप समझिए कि अपने पावर का इस्तेमाल मुख्तार अंसारी इस वक्त पंजाब की जेल में कर रहा है और बकायदा वो एक काम जिस तरह से कर रहा है कि वो उसे जाना ना पड़े उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर वो गया तो उसकी खैर नहीं है। तो ये चीजें बताती हैं कि आज उत्तर प्रदेश में वो स्थिति नहीं है जो पहले हुआ करती थी। आज योगी की पुलिस फुल फॉर्म में है, आज उत्तर प्रदेश की पुलिस हर अपराध को खत्म करने में लगी है और एक जनता को यही चाहिए कि उनके राज्य में क्राइम ना हो, उनकी जो सरकारें हैं वो काम करें, और काम हो रहा है मुख्तार अंसारी से जैसे और अन्य लोगों के ऊपर। आपको मैं ये भी बता देता हूं कि मुख्तार अंसारी जो है वो पिछली सरकारों में किस तरह से खुलेआम तौर पर रंगदारी वसूलता था, किस तरह से खुलेआम तौर पर बंदूकें लहराता था, अपना उसका एक बाहुबली का उसका एक रुतबा था और उसकी नेताओं के साथ अच्छी खासी जान पहचान भी थी। ये भी खबरें सामने आई हैं। तो मुख्तार अंसारी को अभी डर लग रहा है यूपी में जाने से, लेकिन पंजाब सरकार कब तक उसको बचाएगी ये देखना होगा। और योगी आदित्यनाथ इस पूरी कोशिश में है, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है कि किसी भी तरह से मुख्तार अंसारी को लाया जाए यूपी में और उसे उसकी सजा दी जाए। अपराध अब खत्म हो रहा है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की तस्वीरें अब बदल रही हैं। अब वो वक्त नहीं रह गया जब उत्तर प्रदेश में खुलेआम गोलियां चली करती थी और खुलेआम बदमाश घूमते थे। आज बदमाश भी डरते हैं और अपराधी भी डरते हैं अपराध करने से। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।